हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे और हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो जी, सुबह का वक्त है, लगभग 9 बज गए हैं। सभी का नाश्ता होकर सभी लोग अपने अपने काम पर चले गए और रहन भी स्कूल चले गए हैं। तो सुबह का जो भी रूटीन था आज मैंने जल्दी ही खत्म कर दिए हैं। तो जी देखिए, यहाँ कितने सारे सामान मुझे भेजे गए हैं। रेयान के पापा के फ्रेंड यू कहे कि पहले हमारे पड़ोसी थे, फिलहाल तो अभी वे लोग यहाँ नहीं, जहाँ हैं वहाँ से ये सारे सामान भेजे गए हैं। और ये सारी चीजें मुझे बहुत पसंद है। और देखिए यह दाल को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, पर देखने में उड़द दाल की तरह दिखाई देते हैं। और यह दाल को खाने से खून की कमी जल्दी पूरी हो जाती है। और यहाँ देखिए कितनी सारी बड़ी है, और मुझे बड़ी बहुत पसंद है, तो इसी कारण से ये सारे मुझे बड़ी भेज दी है ताकि मैं अपना ये प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय कर सकूं। दाल के साथ बहुत सारे बड़ी, और मुझे मीठा खाना अभी बहुत पसंद है तो मुझे केक भी बनाकर भेज दिए हैं। और साथ ही सजना और रेयान का पसंद का बिस्किट और चॉकलेट भी भेज दिए हैं। और रेयान का अभी बर्थडे आने वाले हैं तो रेयान के लिए बर्थडे का गिफ्ट भी एडवांस भेज दिए हैं। तो फिलहाल तो मैं इसे ओपन नहीं करूंगी, जब रेयान का बर्थडे आएंगे तो उसी दिन मैं ये गिफ्ट को ओपन करूंगी। तो आज मैं बड़ी नहीं बनाऊंगी, आज मैं लंच में बनाऊंगी सजना। सजना को मैं सरसों के साथ बनाऊंगी। तो जी अभी हम लंच की तैयारी नहीं करेंगे, सबसे पहले आज हम ये करेंगे कि अच्छी तरह से घर की डीप क्लीनिंग करेंगे। बहुत दिन हो गए हैं डीप क्लीनिंग किए हुए, तो मैंने सोचा आज क्यों ना अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग किया जाए। धीरे ही सही, पर मैं आज डीप क्लीनिंग का काम खत्म कर ही दूंगी। और रेयान के पापा को भी बिल्कुल समय नहीं मिलते, नहीं तो रेयान के पापा हमेशा मुझे हेल्प करते हैं। रोज पोछा लगाना और इस तरह से डीप क्लीनिंग करने में बहुत अंतर होते हैं। तो यहाँ पाइप की मदद से इस तरह से मैंने चारों तरफ पानी से भिगो दिए ताकि साफ करते वक्त ज्यादा तकलीफ ना हो। तो यहाँ मैं थोड़े थोड़े करते हुए सर्फ पाउडर चारों तरफ डाल दूंगी। और मैं पहले जितने सर्फ पाउडर का इस्तेमाल करती थी आज मैं ज्यादा नहीं करूंगी, थोड़े थोड़े ही चारों तरफ इस तरह से डाल दूंगी। क्योंकि अगर मैं सर्फ पाउडर का यहाँ ज्यादा इस्तेमाल करूंगी तो झाग ज्यादा निकलेंगे, और अगर झाग ज्यादा निकले तो मुझे साफ करने के लिए ज्यादा वक्त लग जाएंगे। क्योंकि इतना हैवी काम तो मैं फिलहाल अभी कर नहीं सकती, और ये सारे को साफ करने के लिए वक्त लग जाएंगे क्योंकि मैंने अभी तक लंच भी नहीं बनाया, तो वो भी मुझे बनाना है। तो यहाँ मैं झाड़ू की मदद से इस तरह से साफ कर लूंगी ताकि जो भी अगर गंदे रह गए हैं या फिर कोई भी गंदे चिपक गए हैं तो वो आसानी से निकल जाएंगे। तो झाड़ू की मदद से मुझे जितना साफ करना था मैंने अच्छी तरह से घसते हुए अच्छी तरह साफ कर दिए हैं। तो अब हम यहाँ अच्छी तरह से पानी डालेंगे और दोबारा झाड़ू की मदद से अच्छी तरह से इस तरह से साफ कर लेंगे। और इस तरह से पानी डालकर साफ करने का बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से गंदे रह भी जाते हैं तो वो आसानी से निकल जाते हैं। पर हाँ, इस तरह से डीप क्लीनिंग करने का मतलब है कमर तोड़ मेहनत। और पहले तो मैं ये काम को आसानी से कर लेती थी, पर मैं आजकल ये सब काम नहीं कर पाती, क्योंकि अगर ये काम करना शुरू कर दे तो काम खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। पर क्या करे, धीरे ही सही, पर ये काम को तो करना ही है। वैसे भी रेयान के पापा का बिल्कुल समय नहीं होता तो मुझे ही करना होता है। और साथ ही इस तरह से मैं कर दूंगी ताकि अगर पानी जो भी रह गए हैं वो जल्दी सूख जाएंगे। वैसे तो मैंने फैन को ऑन किया और जल्दी सूख जाएंगे। दोनों रूम का साफ करने का तो यहाँ हो चुका है, पर किचन और भाई का रूम भी रह गए हैं, तो वो दोनों रूम का भी मुझे साफ करना है। तो यहाँ मैं पोछा लगाऊंगी, पानी डालते हुए यहाँ साफ नहीं करूंगी, क्योंकि अगर यहाँ मैं पानी डालकर साफ करूँ तो बहुत समय लग जाएंगे, क्योंकि अभी लगभग 11 बजने को है। तो मुझे ये काम को इस तरह से ही करना होगा ताकि जल्दी काम खत्म हो जाए। और जितने भी डोरमेट है सारे डोरमेट गंदे हो गए थे तो मैंने सुबह ही भिगो कर रख दिए थे, तो यहाँ मैं ब्रश की मदद से इस तरह से साफ कर लूंगी। और जब भी मुझे डोरमेट को साफ करना होता है तो मैं हमेशा यही ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इससे आसानी से साफ हो जाते हैं। और अगर इस तरह से साफ ना करे तो डोरमेट दोबारा गंदे होने के कारण उसी के कारण से अंदर दोबारा गंदे भी हो जाते हैं, तो डोरमेट भी साफ होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी मैंने डोरमेट को भिगो के रखे सारे को मैं अच्छी तरह से ब्रश लगा लूंगी, उसके बाद पैरों की मदद से अच्छी तरह से साफ करूंगी ताकि अगर जो भी गंदे रह गए हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। तो देखिए मैं इस तरह से कर लूंगी, और इसे अच्छी तरह से हम पानी में डुबोते हुए अच्छी तरह से धो लेंगे। वैसे भी आज धूप अच्छी तरह से निकले हैं तो सारे डोरमेट सूख जाएंगे। और यह डोरमेट को साफ करने के चक्कर में देखिए कितने सारे पानी सीढ़ी में भी गिर गए हैं, तो मुझे यहाँ का भी साफ करना है। तो यहाँ मैं पानी डालते हुए अच्छी तरह से साफ कर लूंगी, उसके बाद नहाने के बाद मुझे लंच भी बनाना है। तो
जी, जितना भी मुझे साफ़ सफाई करने का था वो हमने कर दिए हैं, और यहाँ मैं नहा कर आ गए हूँ, तो यहाँ मैं बालों को अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी थोड़े मेकअप। मेकअप तो मैं ज़्यादा नहीं करती, तो यहाँ मैं बालों में हेयर सीरम लगा लूँगी। हेयर सीरम लगाने के बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर और बिंदी और सिंदूर, इससे ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा करती नहीं। और इतना मेकअप तो हर किसी को करना ही चाहिए। सिंदूर और बिंदी लगाने के बाद मैं थोड़ी देर जाकर धूप में बैठूंगी, क्योंकि धूप में बैठना भी जरूरी है, और वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, तो धूप के बहाने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लूंगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम 10 या 15 मिनट इस तरह से धूप में बैठे, ताकि हमारा शरीर ठीक रहे, और इस बहाने से हमारे भीगे बाल भी जल्दी सूख जाएंगे। तो जी, यहाँ मैं रसोई घर आ चुकी हूँ, और यहाँ मैंने आलू, बैंगन और सजना काटी हूँ, तो सभी को मैं मिलाकर सरसों के साथ बनाऊंगी। बैंगन हो या सजना, मुझे सरसों के साथ बनाकर खाना बहुत पसंद है, तो मैं आज अच्छी तरह से सरसों डालते हुए ये सब्जी को बनाऊंगी। तो जी, यहाँ मैंने मसाले में लिए हैं पीले वाले सरसों, लहसुन, अदरक और प्याज, सभी को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूंगी। तो यहाँ हमारा मसाला पीस के रेडी, तो अब मैं तैयारी कर लेती हूँ सब्जी बनाने की। कढ़ाई यहाँ गर्म हो चुके थे, तो यहाँ मैंने डाल दी है तेल। तड़के में हम डालेंगे जीरा, यहाँ प्याज का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही प्याज को पीस के रखे है, तो जो हमने मसाले पीस के रखे थे यहाँ हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और जैसे ही अच्छी तरह से भून जाएंगे, तो यहाँ हम डालेंगे सूखे मसाले। हमने यहाँ डाले हैं हल्दी, जीरा, धनिया का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और सारे मसाले को डालने के बाद इसे दोबारा अच्छी तरह से मिलाते हुए हम थोड़ी देर भूनेंगे, और हम यहाँ डालेंगे थोड़े से पानी, ताकि हमारे मसाले और अच्छी तरह से पक जाए। और जब मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे, तो जो हमने सब्जी काट के रखे हैं यहाँ डालेंगे और इसे दोबारा अच्छी तरह से मिला लेंगे। और यहाँ मैंने सभी थोड़े ज्यादा ही काटे हैं, क्योंकि मुझे यह सजना की सब्जी बहुत पसंद है, तो मैं रात के लिए भी थोड़े से रख दूंगी, ताकि मैं रात में भी खा सकूं। और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए ढककर हम इसे लो फ्लेम में पकाएंगे। और सुबह ही मैं जब नाश्ता बना रही थी, तभी मैंने दाल को बनाकर रख दिए थे, बस अभी तड़के लगाने का काम रह गया है, तो वो मैं कर लूंगी। और जब भी मैं दाल में तड़के लगाती हूँ, तो कड़ी पत्ता का इस्तेमाल करती हूँ, पर मैंने कड़ी पत्ता अभी तक तोड़ के नहीं लाया, तो बस मैं प्याज, जीरा, सरसों और सूखी मिर्च का तड़का ही लगा दूंगी। और अपने घर के दाल की बात ही कुछ और होते हैं, आप हल्के से भी तड़के लगा दो, खाने में उतना ही अच्छे लगते हैं, और भले ही देखने में अच्छा ना लगे, पर खाने में उतना ही टेस्ट लगते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके घर का ही दाल का इस्तेमाल करें। तो जब भी मुझे मौका मिलते हैं, तो मैं घर का दाल को जरूर रखती हूँ, अगर ना हो तो ही मैं मार्केट का दाल लेकर बनाती हूँ। तो जी, यहाँ दाल में तड़के लगाने का तो हो चुका है, तो साथ ही यहाँ मैं चावल को भी बिठा दूंगी, ताकि चावल पकने का काम भी यहाँ हमारे एक साथ हो जाए। और अभी तक मैंने सब्जी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, जैसे ही हमारे सब्जी थोड़े गल जाएंगे तो ही मैं टमाटर डालूंगी, क्योंकि अगर पहले ही टमाटर डाल देंगे तो सब्जी पकने में थोड़े लेट लगेंगे। तो यही कारण थे मैंने टमाटर का इस्तेमाल पहले नहीं किए। और यहाँ हमारा चावल भी हो चुका है, और साथ ही हमारे सब्जी भी थोड़े गल चुके हैं, तो अब हम यहाँ डालेंगे टमाटर। टमाटर के साथ यहाँ हम हरी मिर्च भी डालेंगे, हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल पहले नहीं किए थे, तो यहाँ हम डालेंगे, ताकि जो भी फ्लेवर है मिर्ची का वो अच्छी तरह से आए हमारे सब्जी में। तो यहाँ हमारा सब्जी अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो अब हम यहाँ डालेंगे खूब सारे हरे धनिया के पत्ते। और मैंने यहाँ सब्जी में थोड़े से ग्रेवी रखे हैं, क्योंकि ठंडे होने के बाद सूख जाएंगे, तो इसी कारण से मैंने यहाँ थोड़े से ग्रेवी रखे हैं। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैं यहाँ गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। और रेयान का अभी स्कूल से आने का समय हो चुका है, तो मैं अब चलती हूँ रेयान को लेने के लिए। और रेयान को लाने के बाद मैं उसे फ्रेश कर दूंगी, उसके बाद सब मिलकर करेंगे लंच। और अभी सासू माँ आराम कर रहे हैं, तो मैं इसी तरह से बाहर से लॉक करके चले जाऊंगी। तो जी, यहाँ सभी का लंच हो चुका था, और हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट की। और रेयान के पापा को मैंने कहा था कि आते वो गन्ने का रस लेकर आए, तो वही लेकर आए हैं, पर हमारे सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मीठे होते हैं, तो हम तीनों ही पियेंगे। वैसे तो भाई अभी तो आए नहीं, तो उनके लिए हम रखेंगे, वो बाद में आएंगे तो वो पी लेंगे। रेयान के पापा को तो इतना नहीं, पर मुझे और रेयान को गन्ने का रस पीना बहुत पसंद है, तो तीनों मिलकर पी लेते हैं गन्ने का रस। तो मेरे परिवार, आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आए होंगे। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आए, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, या फिर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, ताकि मैं एक बड़ी फैमिली बना सकूं। और हाँ, अपना सजेशन और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे ये होते हैं कि हमें पता चलते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। तो मेरे परिवार, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, आप लोगों से फिर मिलती हूँ एक नई दिन और एक अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।